तो जी स्वागत है, स्वागत स्वागत। मौसम साफ है लेकिन ठंड लग रही है, एकदम जैकेट वैकेट डाल लिया था ये मैंने। और स्वागत है आपका साउथ कोरिया में, सियोल में। अच्छा लग रहा है यार एयरपोर्ट तो मुझे, मतलब एंटर करते सारी एयर साइड जो भी है एयरपोर्ट। तो जी जल्दी जल्दी अभी होगा हमारा इमिग्रेशन। इमिग्रेशन तो एक टेस्ट की तरह होता है हमेशा, कि पता नहीं क्या होगा, क्या पूछेंगे क्या नहीं। ये बढ़िया है एयरपोर्ट, जैसी उम्मीद थी वैसे ही है। यहाँ की ना जो एक बजटेड एयरलाइन है वो जेजू एयर है। जेजू एयर वो देख रहे हो जहाज़, उसका पहले मैं इससे आने लगा था लेकिन ये 2-3 हज़ार रुपये टिकट महंगी पड़ रही थी। एक बात मैं बोलता हूँ, सच में कमाल का एयरपोर्ट है। मैं अभी वॉशरूम्स यूज़ करके आया हूँ, क्या लाजवाब है यार। मतलब मैंने यहाँ तो अरबिक देशों में ना, कतर में, दोहा में ऐसे वॉशरूम देखे थे, बड़े लाजवाब है यार। और एयरपोर्ट तो खैर वैसे ही अपने आप में कितना साफ़ सुथरा है, जगह जगह ड्रिंकिंग वाटर के इनके डिस्पेंसर्स बने हुए हैं। जैसे ये देखो, एक तो यहाँ बना हुआ है, एक ये पीछे था, दो इसी सेक्शन में, दो दो तीन तीन आ गए हैं। Do I need to get a coat? You stay in Korea? Yeah. Really? No, I don't stay in. I'm a tourist in Korea. Are you tourist? Do you stay in Korea now? Yeah. Yeah. Where are you going? Seoul. I mean, huh? I'm staying in Korea. Yeah, Seoul. You stay in Korea, you need a coat or a visa? Oh, okay. 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 I got you it. See down this. ये पता नहीं यार ये कौन सा फॉर्म है। वो कहते हैं अगर आप कोरिया में रहते हो ओनली देन इज दिस फॉर्म टू बी फिल्ड बाय एवरीवन। आई डोंट नो, आई जस्ट सी एवरीबॉडी इज फिलिंग इट, सो आई जस्ट डू इट एज वेल। ओके, आई थॉट इट्स ओनली फॉर कोरियन सिटीजंस, आई एम नॉट श्योर, बट इन इंग्लिश एज वेल। ओके, वही हमें भी भरना है, हमें भी हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो भैया जी मैंने येलो फॉर्म ये भर लिया, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है ये, जो कोरिया के एयरपोर्ट में आते सर हर किसी को भरना। यहाँ लिखा हुआ है अगर आपके पास QR कोड है तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन QR कोड कैसे आता है कुछ भी नहीं पता। तो पहले इमिग्रेशन कराता हूँ फिर बात करता हूँ आपसे। भाई प्रोसेस क्या हुआ, अभी ये जो विंडोज़ बनी हुई थी यहाँ, मैंने अपना जो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा था वो मैडम ने रख लिया अपने पास, ठीक है। उसमें क्या क्या भरना था, आपका नाम पता, पासपोर्ट नंबर, कौन सी फ्लाइट से आ रहे हैं आप, और साथ में आप आखिरी 21 दिनों में किन किन देशों में गए हो, और आपको कोई हेल्थ रिलेटेड अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बस ये सारा बेसिक सा फॉर्म था। फॉर्म भर के आप पीछे काउंटर लगे हुए हैं उनको दे दो और आपको वहाँ से एंट्री मिल जाएगी। ये सब चीज़ें पहले बताई नहीं गई थी यार, ये मतलब मैं IATA के ट्रैवल मैप्स यूज़ करता हूँ हमेशा किसी भी देश में ट्रैवल करने के लिए, उसमें लिखा हुआ था नो रेगुलेशंस। हालांकि कोई इतनी खास गड़बड़ वाली बात नहीं है, लेकिन अगर पहले पता होता तो बंदा एक प्रिपेयर माइंड सेट से आता है। खुला खुला एयरपोर्ट है, खुला खुला। अरे तो आपको यहाँ से मेट्रो लेनी है नीचे उतर के। देखा कैसे यार लोग पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ शांति से गैप बनाकर लाइन में खड़े हैं, ये देखो। हालांकि रश इधर भी है लेकिन अपने आप लोगों ने मेंटेन किया हुआ गैप, ये देखो इस तरफ। तो जी इमिग्रेशन भी हो गई है और बड़ा एक अजीब किस्म का ड्रामा हुआ है यार मेरे साथ, कि मेरी टिकट रिटर्न टिकट थी ना जो, वो गुम हो गई। उसकी मतलब हार्ड कॉपी जो मैंने निकलवा रखी थी प्रिंट आउट, पता नहीं मिल ही नहीं रहा था। शायद मैंने चेक इन काउंटर ने वियतनाम जो होचीमिन में था उसने मुझे दी भी थी वापस, लेकिन खैर पता नहीं, बहुत ढूंढा मिली नहीं तो घबरा गया। मैंने कहा इमिग्रेशन पे वो टिकट ही पूछेंगे बस, और वो ही नहीं है मेरे पास। तो खैर इमिग्रेशन काउंटर पे गया तो कहते अपना अराइवल कार्ड दो। मैंने कहा ये कौन सा अराइवल कार्ड है, तो मैंने भरा ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक दिखाया, येलो कलर का कार्ड था,
वो भी भरना है. एक तो पहले हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा था हमने, लेकिन अपना बैगेज कौन से सेक्शन पे आएगा, 12 नंबर पे आएगा. यहाँ बैगेज के क्लेम के काउंटर, एक मिनट आपको दिखाता हूँ कितने हैं. 25 हैं, 25. वो देखो, 1, 2, 3, 4 गिनती लगी है ना, 19, 18, 20 पास. ट्रैवल कार्ड भर के दोबारा इमिग्रेशन काउंटर पे आया और एक भी सवाल नहीं पूछा, सिर्फ मेरे फिंगर स्कैन हुए और मेरी फ़ोटो ली गई, दोनों इंडेक्स फिंगर्स, ये जो दोनों उंगलियां हैं ना ये वाली, ये स्कैन हुई, फ़ोटो हुई और मेरे पासपोर्ट पे स्टैम्प की बजाय इन्होंने एक छोटा सा स्टिकर लगाया है, स्टिकर वीज़ा स्टिकर की स्टैम्प लगाई है. तो बस अपनी हो गई एंट्री. तो कोई उसमें रिटर्न टिकट नहीं पूछे, मैं घबराया हुआ था यार. मैंने कहा अगर फिर दिक्कत हो गई, मैं हालांकि मोबाइल पे दिखा रहा था, मोबाइल पे भी थी मेरे पास, मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी थी. तो क्योंकि सबसे आखिर में पहुँचा हूँ, लेट पहुँचा हूँ और अपने बैग की देखो किस हालत में रखा हुआ है इन्होंने. ये क्या है यार. तो भाई अब मेरे को तीसरा फॉर्म भरना है यहाँ और वो है कस्टम्स का, नथिंग टू डिक्लेयर. और ये वाला फॉर्म है, ये मेरे पास तो कोई सामान भी नहीं है, कस्टम है, कोई डिक्लेयर भी नहीं करना, लेकिन फिर भी मुझे फॉर्म भरना पड़ेगा. मैं पूछता हूँ यार, इसमें तो बड़ा टेढ़ा मेढ़े सवाल लिखे हुए हैं, कितने की आइटम ला रहे हैं ये लोग. एक्सक्यूज मी, डू आई हैव टू फिल दिस फॉर्म? पार्डन, डू आई हैव टू फिल दिस फॉर्म? यस एवरीवन. यस तो जी भर दिया सारा. इसमें बड़े टेढ़े मेढ़े सवाल थे कि आप सिगरेट ला रहे हो यहाँ, आप कितना पैसा ला रहे हो, ये वो सब कुछ बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले यहाँ से निकलूँ यार. तो जी बस स्लिप देने को पेन आ गया यार उनका. आई एम सॉरी. तो ये आ गया जी मैं एयरपोर्ट के बाहर ऑफिशियली. अब मैं कहता हूँ कि सही से एंट्री हो गई है मेरी कोरिया में, सही सलामत एंट्री हो गई है कोरिया में. तो बस यही था, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म था और उसमें आपने नो नो भर देना है हर जगह, जो जो आपको मतलब अल्कोहल तो नहीं ला रहे हो, कोई ऐसा सामान तो नहीं ला रहे हो जो यहाँ के बेचोगे या कुछ भी, तो ये सब चीज़ें आपको भरनी है उसमें, जवाब भर देने हैं और बस फिर आप निकल गए. यहाँ स्लिप दे दो और आपको एंट्री मिल गई. भाई मैं कहता हूँ कितना बड़ा एयरपोर्ट होगा जब मैं देखो जहाज़ से बाहर निकला, पहले तो आधा 1 किलोमीटर चला होगा पैदल, ठीक है, उसके बाद मेट्रो पकड़ी, फिर उसके बाद फिर पैदल चला इमिग्रेशन काउंटर पे जाने के लिए, फिर वो अंदर इमिग्रेशन पीछे है, कितनी बेल्ट्स क्रॉस की, 25 बेल्टें हैं यहाँ. मेन आपको बता दूँ मेरा जो मेन आने का कारण है ना वहाँ यहाँ, वो है DMZ, डीमिलिटराइज जोन देखना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर देखना, वो ही देखने आया हूँ. अब मैं थोड़ा एयरपोर्ट का भ्रमण करता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या क्या. सबसे पहले तो फास्ट चार्जर्स पॉइंट्स बने हुए हैं ये देखो. ओके तो जी फ्री चार्जिंग एंड फास्ट चार्जिंग, ये कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं. मुझे सबसे पहले ढूंढना है क्या इंफॉर्मेशन काउंटर, क्योंकि मुझे अपने हॉस्टल पहुंचना है. गाइडेंस ले लूँगा इंफॉर्मेशन काउंटर से कौन सी मेट्रो पकड़नी है. भाई इंफॉर्मेशन काउंटर से जानकारी मिल चुकी है कि मेरे को कैसे जाना है अपने सिटी सेंटर तक. अगर तो मैं बस में जाऊंगा तो बस में मेरे लगेंगे 17,500 व्योन, जो साउथ कोरिया की करेंसी है, इनकी करेंसी है व्योन, कुछ अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, साउथ कोरियन योन या व्योन या जो भी कहते हैं उसको. और अगर मैं ट्रेन से जाऊंगा, ट्रेन बड़ी सस्ती है, सिर्फ 4,500 व्योन लगेंगे मेरे उसमें. और ये है सिम कार्ड का चार्ट लगा हुआ है, अगर मुझे एक दिन के लिए चाहिए तो 6,500, 3 दिनों के लिए 18,000, 5 दिनों के लिए 27,000, 10 दिनों के लिए 38,000 और 20 के लिए, 20 दिनों के लिए 60,000. तो मतलब आपको मोटा मोटा रेट बता दिया है मैंने. खैर एयरपोर्ट से तो मैं कभी भी सिम कार्ड नहीं लेता हूँ, आपको पता ही है. अब मैं ATM जा रहा हूँ कुछ पैसे निकलवाने के लिए. यार मुझे लगता है इस एयरपोर्ट पे ही करने के लिए ना बहुत कुछ है, इसकी तो मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ एक पूरी. भाई बड़ा टेढ़ा मेढ़ा ठीक है कार्ड, ये नहीं चला. कार्ड यहाँ डालते हैं, स्क्रीन यहाँ कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन मेरा कार्ड चल नहीं, मेरा ATM चला नहीं. मेरे पास नियो DCB का कार्ड है, सिम कार्ड है, वो बड़े कॉस्टली है, 2200 रुपये का सिम कार्ड पड़ेगा मेरे को,
37,000 वोन से शुरू है, वो भी 5 दिनों के लिए 37,000 वन, मतलब एक 1,000 वन में कितने होते हैं, 60 रुपये होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड वेयर इट इज़ हैपनिंग, सियोल मेन स्टेडियम? ओके श्योर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्योंकि अभी अभी मैंने एयरपोर्ट पर के पॉप कॉन्सर्ट की एक टिकट ली है, साथ में किट मिली है मुझे, वेलकम किट। अब इस फेस्टिवल किट में क्या क्या है ये पता नहीं है, कई चीज़ें हैं। पॉप कॉन्सर्ट हो रहा है, कब होगा? 7:30 से 9:30 30 अप्रैल को। तो लाइव का पहला के पॉप कॉन्सर्ट होगा मेरा अटेंड करने के लिए, मुझे तो पहले यही नहीं पता कि इसमें कौन कौन है कौन कौन नहीं। ये अभी ना मैं बेसमेंट में हूँ, और बेसमेंट में पूरी की पूरी जो बेसमेंट है इन्होंने ये मेट्रो के लिए बना रखी है। तो यहाँ मेट्रो वेट्रो कुछ किसी को समझ नहीं आता, ना ही किसी को कोई ट्यूब समझ आता है, ना ट्रेन समझ आता है, यहाँ कहते हैं रेल रेल रेल। अच्छा ये है ना मेट्रो, ये जो ट्यूब ऊपर बनी हुई है, शायद इसी में जाऊँगा मैं। What is this? This is express train only goes to Seoul station. Seoul station. Yes, not Hongik University station. Okay. So that's a different train. Yeah. And do I have to make some card to use that train? You can buy ticket, or you can buy money card. Money card. Yes, over there. Okay. Subway card over there. Okay. Thank you so much, man. Thank you. यार बड़े प्यार से कैसा कैसे सिर सुर झुका के, देखा कैसे नमस्ते नमस्ते करते हैं जाने से पहले, बड़ा यार मतलब ये पता था मुझे कि हाँ। अच्छा ये ट्रेन जो है ये डिफरेंट है, ये पता नहीं थोर स्टेशन कोई कह रहा था ये बंदा, ये वहीं जाती है जो हमारी ट्रेन है, जो मैंने अभी लोकल ट्रेन पकड़नी है वो कोई डिफरेंट है यार। हॉन्गकॉन्ग यूनिवर्सिटी एक स्टेशन का नाम है जहाँ मुझे जाना है। Hi, can you please help me? I need to go here. Hongkong University. Yeah. So should I take a card here? Two choices. One way ticket and charging way card. Mm-hmm. Okay. What do you want? Which one is good for me for travel? One way card, you have to buy a ticket every time. Okay. Every station. Mm-hmm. But charging way card, no need to buy a ticket every time, but you have to pay the price of the card. Okay. Card price, you cannot get returned. Okay. Can I buy a card, buy a ticket using my card? Only cash. Here, there, and where are the ATMs? ATM, thank you. तो जी दो तरीके हैं सफ़र करने के, या तो आप कार्ड खरीद लो यहाँ से, 4-5 हज़ार वोन का कार्ड मिल जाता है, ठीक है, उसको रिचार्ज करते रहो और आप अपना सफ़र कर लोगे। दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि वन वे टिकट खरीदो यहाँ से, ये जो काउंटर बने हुए हैं, और वन वे टिकट खरीद के आप अपना सफ़र करो। लेकिन कैश से ही खरीदी जाएगी वन वे टिकट यार, तो कार्ड नहीं चलेगा भैया। तो अब मैं ATM ढूँढने जा रहा हूँ। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ATM मशीन मैंने कभी लाइफ में नहीं देखी है, मतलब सबके, मेरे साथ नहीं, सबके कार्ड मतलब कैंसिल हो रहे हैं, सबको समझ नहीं आ रहा कि ATM एक्सेस कैसे करना है भाई, इतना कॉम्प्लिकेटेड है यार। स्क्रीन नीचे लगी हुई है, पहले तो कोरियन लैंग्वेज को ढूंढ के हमें इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है, तो शुरू में कुछ कोरियन के स्टेप्स हैं, ठीक है, उसके बाद फिर मतलब ATM टेढ़ा मेढ़ा है, सीधी सी बात है। खैर मैं आपको बता दूँ कि मैंने कितना निकाला, मैंने निकाले हैं 3 लाख वोन, और ट्रांजैक्शन फीस जो कटी है इस ATM ने चार्ज किया मुझसे 240 रुपये। टिकट खरीदने का समय आ चुका है, टिकट वेंडिंग मशीन। This is a disposable transportation card printout machine. Please insert the single-use card. यार ये कह रहा है कि इसमें क्या करना है। एक्चुअली ठीक है, पहले सिलेक्ट स्टेशन पे सिलेक्ट क्लिक करना था, उसके बाद स्टेशन बने आ जाएंगे, और आप अपना नाम जिस स्टेशन पे जाना है आप वो डाल सकते हो। मेरा है हॉन्गकॉन्ग। प्लीज सेलेक्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड इंसर्ट कैश। वन टिकट आ जाएगा बस 4650। इसी में डालना डाल दिया
10,000 का नोट डाला ना. The ticket is being issued. The ticket has been issued. If you want the cash receipt, please select print receipt. ये सिलेक्ट स्टेशन सेलेक्ट करना था भैया. बस इसको लगा देना है ना. Thank you. Okay. खुल गया दिल्ली वाला हिसाब है. अब मेरे को जाना है. अच्छा ये हांगकांग की यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है ना लेफ्ट में. और एक बात यहाँ देखा कि जिसको चलना नहीं है वो राइट में खड़ा हुआ है, ठीक है, और जिसको पैदल चल के आना वो लेफ्ट में खड़ा, लेफ्ट में से जा रहा है. तो ये बहुत एक अच्छे मैनर्स होते हैं कि किसी को कहने की ज़रूरत नहीं. देखा सब कैसे राइट में खड़े हुए और मैं भी राइट में खड़ा हूँ. मुझे मैडम ने कहा था कि कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको हांगकांग यूनिवर्सिटी में छोड़ेगा. ठीक है ठीक है. ये देखो मैं यहाँ इंचन टर्मिनल A10 पे हूँ, टर्मिनल 1 पे, ठीक है. तो गाड़ी जाएगी वो लास्ट में A03 हांगकांग यूनिवर्सिटी, वहाँ उतरना मेरे को. और यार ये अच्छा लगा मेरे को, ये ना छोटे छोटे बेंचेस लगाए हुए हैं सिंगल सिंगल, एक एक बंदे के बैठने के काफ़ी डिस्टेंस के साथ. ये जो मेट्रो है ना ये सियोल तक जाती है और एक घंटे का रास्ता है यहाँ से सियोल का, एक घंटे से भी ज़्यादा. मेरा स्टॉप ही 1 घंटा 10 मिनट में आएगा. एक्चुअली ये जो इंचियोन एयरपोर्ट है ना ये एक आइलैंड पे बना हुआ है यार, ये मुझे अभी अभी पता लगा. उस आइलैंड को अगर मैं आपको गूगल मैप में दिखाऊँगा, जब हम सियोल जाएंगे ना रास्ते में समुंदर आएगा एक बहुत बड़ा क्रॉस करने वाला.